लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप लोगों ने हमला किया उनके कैंडिडेट के ऊपर और शिकायत पुलिस को द्वारा दी गई है। हम हमला करने राजीव बिंदल जी के घर गए। राजीव बिंदल जी रामपुर माजरी में आए हुए हैं, तो क्या यहाँ के लोग उनसे पूछताछ नहीं कर सकते? वो हमारा विधायक नहीं तो है क्या? उसका गलत गतिविधियों को रोकना क्या हमला है? जब प्रचार पंचायत में रामपुर बारापुर ग्राम पंचायत में 17 तारीख को मतदान होना है तो 15 तारीख को शाम को प्रचार थम चुका है, तो 16 तारीख को 10 बजे इनको रामपुर में आने का। क्या हुआ? शिकायत दी गई है कि इस तरह से यहाँ पर जो विधायक स्थानीय विधायक उनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रचार शाम पर 4 बजे कल थम चुका है, उसके बाद भी विधायक के द्वारा यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, उसके बारे में क्या आपको शिकायत दी गई है? उधर था गया हुआ तो इनका फोन आया मेरे पास कि मैं उम्मीदवार हूँ और ऐसे करके यहाँ पे बिंदल जी आए हुए हैं, तो कृपया करके आप यहाँ पे आइए और देखिए इस विषय में। इस विषय में जैसे ही मुझको पता लगा मैं तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौके पहुँचा और इसकी शिकायत ऑफिस को कर दी है और कार्रवाई कर रहे हैं। सर वही आरोप लगाया जा रहा है दूसरे प्रत्याशी के द्वारा रजनीश चौधरी द्वारा कि मेरे परिवार के ऊपर हमला किया गया है, कि विधायक साहब तो सिर्फ क्षेत्र में थे, वो मेरा हालचाल पूछने आए, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? इस बारे में हमारा कुछ कहना नहीं है क्योंकि उस टाइम पे हम नहीं थे, हम विधायक साहब के से बात कर रहे थे इस बारे में। तो आप वो कह रहे कि मैं घर के प्रत्याशी से मिलने आया हूँ और मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है और मैं उसको जगह पर मैं निकल चुप। किसी भी कैंडिडेट से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ और ना हमने हमला तो हमारी डिक्शनरी में है। तो क्या कारण है सर यहाँ पे हंगामा होने का, क्या कारण हो रहा है? हंगामा मैंने नहीं किया, लोगों ने देखा कि ये पंचायत जो चुनाव में ये राजीव बिंदल हस्तक्षेप करने आ गया और लोगों को धमका रहा है, लोगों को लालच दे रहा, इसलिए पंचायत के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इसका विरुद्ध जो है एक्शन लिया। सर्विस वाले बंदों पे दबाव बना रहे हैं कि हम ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये राज नहीं चलेगा यहाँ पे। चुनाव आयोग को इस पे आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई अभी तक? हमने सेक्टर ऑफिस को समय रहते बता दिया था और सेक्टर ऑफिसर मौके पे पहुँच चुके हैं और उन्होंने इसके विषय में जो भी उनके अधिकार क्षेत्र की बात है वो कर रहे हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। क्या कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहेंगे जो आरोप लगाए गए झूठे हैं? आरोप तो जो ये विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप अगर लगते हैं तो ये सामान्य ज्ञान की परीक्षा से बाहर है, तो ये सामान्य विवेक का विषय नहीं है। तो सर प्रशासन के क्या कार्रवाई चाहेंगे? प्रशासन से कार्रवाई ये कहते हैं कि जो आ जाए उसके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए चुनाव आयोग से संबंधित, और 22 तारीख तक उसकी गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगना चाहिए। तो वो इनका AR का अधिकार क्षेत्र है, पता डालने का ना कोई उद्देश्य है ना कोई मंशा है। हमारे तो सिर्फ एक ही शिकायत है कि जब प्रचार की अवधि समाप्त हो चुकी है तो उस अवधि का उल्लंघन करने का, और एक विधायक होते जो मंत्री भी रहा है, विधानसभा अध्यक्ष रहा है और पार्टी का अध्यक्ष रहा है, उससे वो इतनी घिनौनी हरकतों पर आ गया, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।